जी शुरू करें। अच्छा, इसका एक अलग ब्रांड वो हमारे पास है, मेजबान। मेजबान हमारे पास क्या है कि ये सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास सीलिंग ब्रांड है। इसका सारे हमारे पास जो फोकस होते हैं वो हमारे पास सिंध में होता है, क्योंकि वहाँ पे इसकी सेल क्या है वो काफ़ी वास्ट सेल है। तो इसके अंदर भी हमारे पास कैटेगरीज आ जाती है, जैसे हमारे पास साशेज हैं, हार्ड पैक हैं, इकोनॉमिक है, जार्ज हैं। तो ये आपके पास कहाँ पे यूज होता है? जैसे आपके पास वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे आपको ज़्यादा कंज्यूम क्या करना चाहे, एंटरटेन करवाओ, तो वहाँ पे आप उसको यूज करते हैं। तो ये आपके पास जैसे कोई भी सिंध कल्चर है वहाँ पे क्या है मोस्टली वहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट कीजिएगा। इसमें अलग एक अलग ब्रांड आता है हमारे पास, तेजदम। तेजदम तो ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास ज्यादातर फोकस जो इसका कल्चर होता है वो पंजाब साइड पे ज्यादातर इसका होता है, कि ये अपने इसके नाम से जो हमारे पास ज्यादातर फोकस है। क्योंकि आपने देखो तेज दम हमारे पास क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग, इसका क्या है कि वो हमारे पास इसका आपके पास फ्लेवर होता है स्ट्रॉन्ग होता है। क्या वहाँ पे क्या होता है उसकी प्राइसिंग भी है काफी रीजनेबल होती है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है ये फोकस होता है। उसकी एक अलग ये बात है कि इसकी जो पैकेजिंग होती है उसके हिसाब से क्या होता है कि वहाँ पे भी क्या होता है काफी अट्रैक्टिव होता है। तो इसका तो पूरा फोकस क्या होता है कि एक इसके जो है लेबलिंग जो इसकी पर हुई हुई है, इसकी पैकेजिंग हुई है, वो क्या है कि वो कैसी जो कंज्यूमर्स को क्या करे, अटैक करे, तो वहां पे यूज करते हैं। ये लॉन्च हमारे पास हुआ था 2003 में। तो इसके पास आपने देखा इसकी प्रमोशंस काफी आपने देखी होंगी जो सोशल मीडिया पे या कोई भी ऐसे टीवी शोज पे क्या होता था, ज्यादातर इसकी प्रमोशन तब होती थी। तो ये वहां पे क्या होता है दूसरा। तो नेक्स्ट कीजिए। अच्छा, ये शेड्स ऑफ ग्रीन है हमारे पास क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें अलग अलग टाइप से फ्लेवर आए थे। तो इसके अलग अलग टाइप से फ्लेवर कौन से होते हैं, जैसे आपके पास वो चीज़ जहाँ पे आपको कंज्यूमर को क्या क्या करना हो, अटैक करना। जैसे इसमें अलग अलग जैस्मिन, लेमन, इलायची फ्लेवर आ जाते हैं। तो ये क्या क्या होता है जो कंज्यूमर की डिमांड होती है वहाँ पे यूज करते हैं। जैसे किसी ने जो लेमन फ्लेवर आपके पास मोस्टली यूज होता है वहाँ पे यूज होता है, जैसे ग्रीन टीज हो गई या कोई ऐसी चीज जहाँ पे आपको वेट लूज करना होता है, वहाँ पे क्या करते हैं आपके वहाँ पे ये यूज मोस्टली यूज होते हैं। तो ये ज्यादातर इसकी डिमांड में ज्यादातर आपके पास डिमांड डे बाय डे आपके पास इंक्रीज हो रही है। तो इसकी क्या हो रहा है कि आपके पास जहाँ पे वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे आपको इसको आपको हेल्थ कॉन्शियस यहाँ होते हैं यहाँ पे वहाँ पे इसको क्या करते हैं यूज करते हैं। इसके में आपके पास डिफरेंट आपके पास पैकेट्स आते हैं, इसमें भी आपके पास एनवेलप जैसा कहते हैं, ये आपके पास इसमें 45 ग्राम का भी होता है, इसके आपके पास लेमन का भी, 45 जैस्मिन का भी और इलीची का भी। तो इसमें अलग अलग पैकेट में जिसमें 30 एनवलप्स हैं और 19 ग्राम है आपके पास, 60 एनवलप्स हैं। तो इसके अंदर देखें इलीची में आपके पास 45 ग्राम्स है, 35 एनवलप्स हैं। तो डिपेंड आपके पास क्या होता है कि इसमें साइज का या इसकी कैपेसिटी का वो चेंज हो सकती है, मगर सबके क्या होता है कि सब मेन फोकस यही होता है कि इसका क्या होता है कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो। इसमें देखें एक अलग इसमें भी आता है 100 ग्राम का भी आता है आपके पास, जार के अंदर इन फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है। तो उसका ये एक अलग ब्रांड है जिसे हम शेड्स ऑफ ग्रीन कहते हैं। नेक्स्ट कीजिए। इसमें एक एक और इन्होंने ब्रांड अपने जो इंट्रोड्यूस करवाया था उसके पास है आइस टी। आइस टी आपके पास क्या है कि वो आपके पास लॉन्च हुआ था, उसमें दो फ्लेवर आपके पास आए थे, एक पीच फ्लेवर था, एक आपके पास लेमन फ्लेवर था। तो ये आपके पास वहां पे इंट्रोड्यूस है, जैसे यहाँ लिखा है मार्केट नीच, तो ये वो मतलब होता है मार्केट नीच, मतलब आपके पास जैसे आपके पास जो एक आपके पास एक ही प्रोडक्ट होता है, जैसे आपके पास कई मार्केट में आते हैं तो आपके पास एक ही प्रोडक्ट की चीजें आपके पास अवेलेबल होती है। जैसे आप शूज देख लें, शूज की अलग अलग वैरायटीज होती हैं, इसी मार्केट नीच मतलब है आपके पास एक ही स्पेसिफिक ब्रांड जो आपके पास होता है, स्पेसिफिक चीज जो आपके पास उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आई थी। जैसे देखिए आइस टी में दो कैटेगरीज आ गई, मगर है एक आइस टी का ब्रांड मगर इसमें कैटेगरीज अलग अलग होगी, जैसे पीच का हो गया, एक लेमन का हो गया। तो ये आपके पास क्या होता है ये जैसे आप इसमें यहाँ लिखा हुआ है लो इन शुगर एज वेल, तो आपके पास क्या होता है इसमें शुगर भी काफी क्या होती है कम होती है। और ये भी आपके पास केन पे अवेलेबल होता है, साशेज में अवेलेबल होता है, डिफरेंट टाइप के आपके क्या होते हैं इसमें पैकेजिंग होती है, जिसके आपके पास जो कंज्यूमर कस्टमर है उसको क्या कहते हैं अटैक कर सके। नेक्स्ट कीजिए। अच्छा इसमें एक अलग वो ब्रांड लॉन्च किया था जिसमें क्या था टपाल इंस्ट्रा के नाम से था, ये आपके पास 2009 में लॉन्च हुआ था। इसमें क्या होता है कि आपके पास 3 इन 1 मतलब है आपके पास जो आपके पास
थ्री इन वन मतलब है कि आपके पास इस कैटेगरीज लॉन्च की थी, तो इसमें आपके पास डिफरेंट जो है आपके पास जैसे फ्लेवर होते आपके पास क्या है थ्री इन वन आपके पास जो यूज होते थे, तो एक 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 जो आपके पास कंज्यूमर्स है उसको क्या करने है अवेयरनेस को देने के लिए है, इसको इसको आपके पास डिफरेंट फ्लेवर्स के लिए उन्होंने यूज किए थे। तो उसमें क्या होता था कि आपके पास कि आपका जो थ्री आपके पास क्वांटिटी थे जो आपको तीन चाहिए थे वो आपके पास एक ही में अवेलेबल कर दी थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि टेस्ट में काफी इफेक्टिव था, काफी अच्छा था, तो इसे कंज्यूमर क्या है सेटिस्फाइड हो सके। तो इसलिए ये भी आपके पास साचेज में अवेलेबल था, और इसकी प्राइस इन्होंने जो रखी थी वो कंज्यूमर को देखते हुए रखी थी कि मार्केट जो उसको क्या कहें कैप्चर कर सके, तो इसकी प्राइस भी काफी रीजनेबल थी। जैसे यहाँ ₹10 लिखी हुई आपके पास, तो ये आपके पास क्या है कि जैसे पैकेट्स में आते थे जो ₹10 अभी भी आते हैं, तो आपके पास क्या है मार्केट को देखते हुए जो रखिए ताकि आम लोग इसको क्या कर सकते हैं अवेल कर सकते हैं, रिच भी अवेलेबल कर सकते हैं या पूरी जो मार्केट पूरी मार्केट को क्या कर सकते हैं अवेल कर सकते हैं, हर पीपल जो है इसको इसको अवेल कर सकता है, इसलिए इसको इस हिसाब से इनको मार्केट को देखते हुए उन्होंने रखा था। तो नेक्स्ट कीजिएगा सर, इसमें आएगा शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस में हम देखेंगे कि इसके अंदर आपके पास चार चीजें आएंगे शॉर्ट एनालिसिस हमारे पास, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स। स्ट्रेंथ आपके पास देखेंगे स्ट्रेंथ क्या होती है, इसके बाद वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या होती है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ आपके आपके पास सबसे बड़ी इसकी स्ट्रेंथ है आपके पास इसके पास वो नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है कि इसके अंदर आपके पास जो इसका नेम है आपके पास स्ट्रॉन्ग नेम ने अपना कैप्चर किया है टपाल का, इसके इसका उसके हिसाब से अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ओवरऑल पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो तो इनका मेन ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिंध साइड, बाकी जो आपके पास पंजाब या दूसरी साइड पे इसको वो है, तो इन्होंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो काफी क्या है स्ट्रॉन्ग है। अच्छा इसके बाद उसने जो उसके कस्टमर के जैसे डिमांड है, जैसे हम सिंध के लिहाज से उन्होंने अपनी उसकी अलग डिमांड रखी है, जैसे कि जो सिंध के जो पीपल उनको रिक्वायर्ड है उनके हिसाब से उन्होंने क्या किया वो उस चीज को फोकस किया। तो ये क्या है सॉफ्ट पैकेजिंग मतलब है कि आपके पास जो स्ट्रेंथ इनकी क्या है कि उन्होंने अपने ब्रांड को इस तरह से लॉन्च किया है कि हर कोई क्या कर सकते हैं, हर कोई किसी को अटैक कर सकता है। इसमें अलग अलग पैकेजिंग उन्होंने दे रही है, उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग नाम कर दिया, जैसे कंज्यूमर को कुछ रिक्वायर्ड होती है उस टाइम वो अवेलेबल होती है। तो क्या है इन्होंने स्टॉक भी अपना जो वेयर हाउस के अंदर वो भी वो रखा हुआ है, जैसे जैसे डिमांड है तो इस तरीके से वो क्या करें आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है वो नेटवर्क है वो क्या काफी स्ट्रांग है। इसकी इनकी वीकनेस क्या है कि मेन रिलाई जो करते हैं वहाँ पे सिंध जो सेल है वहाँ पे रिलाई करते हैं, जो आपके पास इनकी एक और वीकनेस आपके पास है जैसे आपके पास दूसरे ब्रांड है या कोई भी है जैसे सम ऑफ द ब्रांड इन द पोर्टफोलियो जैसे गुलबहार या ग्रीन टी या कोई भी, तो ये क्या है इनका इन्हें इस चीज को ज्यादा फोकस नहीं किया, बाकी जो आपके पास इन्होंने लॉन्च किए थे उसको जो जिसपे इनकी सेल ज्यादा हुई थी वहां पे उन्होंने क्या बाकी जो इन्होंने ब्रांड अपने लॉन्च किए क्या किया था उसको मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया, मतलब लॉन्च तो कर दिया तो इनकी वीकनेस ये है कि उन्होंने उसको प्रमोट नहीं किया, तो बाकी इनकी वीकनेस ये है। और अपॉर्चुनिटी इनके पास ये है कि उनके इनकी जो है डिमांड जो है वो काफी ज्यादा अगर पाकिस्तान या ओवरसीज या दूसरे कंट्री में लेके जाएं, जैसे हमने एग्जाम्पल लेके थी यूएस या ऑस्ट्रेलिया में, इसकी इनकी क्या है डिमांड जो आपके पास साशीज है वहां पे इनकी डिमांड ज्यादा है, तो इनके लिए अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि ये अपनी जो है सेल को इतना इंक्रीज कर दें कि वो क्या है ओवरऑल जो है आपके पास वर्ल्ड में क्या हर जगह अवेलेबल हो। तो ये क्या होगा अपॉर्चुनिटी इनके लिए ये है कि ये अपनी डिमांड जो अपनी इसको सेल को क्या कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं, उस हिसाब से अपने जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी चीजों को, टपाल की कोई भी चीज को क्या कर सकते हैं ब्रांड को अपने कोई भी इनकी ये उसको क्या करते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थ्रेड्स इतने क्या है कि थ्रेड सबसे पहले के आपके इनके कंपटीटर्स जो आपके पास है मार्केट में काफी अवेलेबल है, तो इनके पास थ्रेड ये क्या कि अपने मार्केट को देखते हुए इन्होंने क्या करना है कि अपने उस ब्रांड को लॉन्च करना है, उसकी सबसे चीज देखनी कि उसकी मार्केट में लॉन्च करना क्योंकि किस चीज की डिमांड है। जैसे हमारे पास आपके पास देखेंगे टपाल के अलावा भी काफी ब्रांड्स आ गए हैं, तो उसमें क्या है कि इनके लिए सबसे बड़ी क्या है थ्रेड है। तो इस तरीके से जैसे जैसे इन्होंने दूसरे ब्रांड जैसे लॉन्च होंगे उसको देखते हुए प्राइसिंग जो है प्राइस भी उस हिसाब से रखनी है ताकि ये मार्केट को क्या कर सकें कैप्चर कर सकें, तो ये इनके लिए थ्रेड है। बाकी जो कंपिटिटर्स इनके आ गए तो वो क्या है इनके लिए थ्रेड है। नेक्स्ट कीजिएगा सर। अच्छा मार्केट मिक्स आपके पास क्या है, मार्केट मिक्स में आपके पास जो चार चीजें आती हैं एक प्राइस प्लेस प्रमोशन प्रोडक्ट,
तो पहले देख लेते हैं इनके पास क्या प्राइस की कैटेगरीज कैसे होती हैं। नेक्स्ट कीजिए सर। अच्छा इसमें देखें इनके पास लिखे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपके पास क्या क्या है इनके, जो इन्होंने एक टपाल का इन्होंने लॉन्च किया, टपाल दानेदार को लिए थे सबसे पहले लॉन्च हुआ था। इसके अंदर जो आपने इन्होंने प्रोडक्ट लिया उसके अंदर इसमें क्या क्या इसने यूज किए हैं, इसने पैकेजिंग इसके लिए, इसकी लेबलिंग, इसके ब्रांडिंग, उसके ट्रेड नेम, तो इसके ये क्या क्वालिटी है प्रोडक्ट की, मतलब वो डिफाइन करती है कि कौन सा। जैसे यहाँ पे देखें आप कोई भी ब्रांड लेंगे तो उसको क्या होता है प्रोडक्ट को देख के पता चलता है इसकी आगे, मतलब उसकी पैकेजिंग के हिसाब से, उसकी लेबलिंग के हिसाब से पता चलता है कि वो प्रोडक्ट कैसा है। तो इन्होंने अपनी मेन प्रोडक्ट को फोकस किया, वो क्या इसकी इसकी सब चीजें देखें। अब कोई भी इनका प्रोडक्ट होगा तो ऐसा अट्रैक्टिव होगा जिसको देख के कंज्यूमर कहेगा या कह के ये इसकी काफी उनको लगेगा कि ये काफी अच्छा है। तो इन्होंने जो मेन फोकस किया वो किसको अपने किया है कि अपने लेबलिंग और इसको जो है बाकी जो है ट्रेड नेम वगैरह इसको क्या किया फोकस किया। तो ये इनके पास प्रोडक्ट में ये सबसे ज्यादा चीज आती है। नेक्स्ट ये था। अच्छा इसमें प्राइस आ जाती है, प्राइस के हिसाब से देखें जैसे आपके पास जो थर्ड मैंने बताई थी, थर्ड में आपके पास डिफरेंट टाइप के ब्रांड आ जाते हैं। जो इस तरह से इन्होंने अपने प्राइस को उस तरीके से सेट करना है कि क्या हो गया आप इनके पास कोई थर्ड ना बाकी रहे, तो इसलिए प्राइस की स्ट्रेटेजीज को मीट करना है कैसे कि जो आपके पास मार्केट में प्राइस चल रही है उसको देखते हुए क्या करना है उन्होंने अपने प्राइस को सेट करना है। तो सबसे पहले इन्होंने जैसे यहाँ देखें लिप्टन के इनके पास एक आपके पास येलो लेबल का है, तो इसमें क्या है कि 200 ग्राम का अगर आपके पास है तो आपके पास रुपीज 95 का है आपके पास। इसी तरह से इनके पास ने क्या है 80 का है। तो सबसे पहले इन दोनों में क्या है कि आप डिफरेंस इन्होंने अपनी जो है प्रोडक्ट को भी लॉन्च करना है उसको देखते हुए कि वो इसकी लेबलिंग कैसी है, उसके ट्रेड नेम कैसा है, उसके बाद उसके प्राइस को भी देखना है। प्राइस को इसलिए देखना है कि प्राइस अगर सही होगी तो मार्केट में हर कोई इसको अवेल कर सकेगा, तो क्या होगी मार्केट में आपकी इसकी डिमांड ज्यादा होगी। अगर इसकी प्राइस ज्यादा होगी तो क्या होगा दूसरे प्रोडक्ट यूज करें वो आपके लिए क्या बन जाएंगे थ्रेड बन जाएंगे। इसलिए जब भी लॉन्च करें प्रोडक्ट जो आपके पास लॉन्च होता है उसको क्या होता है उस मार्केट को देखते हुए उस हिसाब से इसको क्या करते हैं जो है प्राइसिंग सेट होती है। एंड सर नेक्स्ट कीजिए। सर नेक्स्ट स्लाइड स्लाइड कीजिएगा। हेलो बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा आपकी वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी कैसा। आपने कहा था ना, नेक्स्ट तो यही है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। अच्छा है, सेकंडली एक वाली एक स्लाइड और है। तो क्या आगे हुआ बहुत भी हैं, काफी स्लाइड हैं। ये वाली, इसको कह रहे हैं आप? जी। अच्छा इनके पास देखें कि आपके पास बैक भी देख रहे हो, प्राइस भी देख रहे हो, इसके पास आपके पास इसकी आपने डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, जो आपके पास वेयर हाउसिंग होती है कि आपने कैसे वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सी आपके पास है। तो आपके पास ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है कि इसमें इनके जो वेयर हाउसेज हैं आपके पास कराची या हैदराबाद सक्कर मान रहा है, तो इसमें क्या है या आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टेलर कंज्यूमर मतलब है कि आपने अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन सेट करनी है वो आपके पास हर सिटी में क्या होना चाहिए, आपके पास वेयर हाउस होना चाहिए जहाँ भी आपको डिमांड अगर सिंध में है या आपके पास पंजाब में है, तो आपको जहाँ पे आपको डिमांड होती है तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं इसको अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं। तो आपके पास ये मेन स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपके पास हर सिटी में आपके पास क्या होना चाहिए अपना वेयर हाउसेज होनी है, कि उससे क्या होगा कि आपका जो है डिमांड जो है जैसी आएगी आपके पास आप अपना प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं और ये इसकी शॉर्टेज नहीं हो सकती। तो ये क्या ये आपके पास क्या क्या लगता है डिस्ट्रीब्यूशन भी मेन इंपॉर्टेंट रोल करती है मार्केटिंग मिक्स के अंदर। इसके बाद एक प्रमोशन आई थी, प्रमोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा प्रमोशन के अंदर इसके अंदर अलग अलग टाइप की चीजें हैं प्रमोशन होती हैं, जैसे आपके पास प्रिंट मीडिया हो गया, जैसे सोशल मीडिया आपके पास रेडियो हो गया, बैनर्स हो गए, ये आपके पास क्या कहलाती है आपके पास ये आपके पास कहलाती है कि प्रमोशन आप अपने प्रोडक्ट को कैसे कर सकते हैं। प्रमोशन आपके पास कहलाती है जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास जो टीवी नहीं एडवर्टाइजमेंट है यार वहां पे हसनैन, मैं क्या तुम्हें यहाँ रोकूंगा। देखो, तुम्हारी प्रेजेंटेशन तो लगता है 9 बज जाएंगे, खत्म नहीं होगी बात। ये मैंने आपको टॉपिक दिया था कि सप्लाई चेन ऑफ तो बस मैं टपाल। इसको आज जल्दी जल्दी कवर कर देता हूँ। मेरी बात तो सुनो। आपने पहले भी अगला वाला मैं सप्लाई चेन आ रही है।
नहीं मेरी बात तो जी सुन लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो हमारे, मैंने आपको टाइम दिया, एक जी सर लिमिटेशन बोले। होती है प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन कभी अनलिमिटेड नहीं होती है। पहले 15 से 20 मिनट आप बोल चुके हैं 10 स्लाइडों के ऊपर, अभी आपने 15-25 स्लाइड पे आप आए हैं, अभी तक सप्लाई चेन का कहीं जिक्र नहीं आया। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल नई सप्लाई स्लाइड चेन। में आया। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन में ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करने में आपने 1 घंटा लगा दिया है। आप मेरी बात समझ रहे ना, जो असल टॉपिक है आपको उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए ना। तो ये तो चीज आपके जो नेगेटिव जाएगी ना आपके खिलाफ, ये आप इतना वक्त जो उसके ऊपर लगा रहे मैं हैं, इसको ब्रांड जल्दी से बता रहे कवर हैं, करके ब्रांडिंग न्यूज़ पे चल जाता हूँ मार्केटिंग मैं लाइव टेक्निक्स में। बता रहे हैं। असल तो ये है आपकी प्रेजेंटेशन, आप शुरू हो रही है आपकी यहाँ से 25 स्लाइड से। 24 स्लाइड आपकी जो है ना, ठीक है, 2-4 स्लाइडों में इंट्रोड्यूस करता है आदमी कि अपनी भाई कंपनी ये है, प्रोडक्ट ये है, इतने ब्रांड्स हैं ये है। उसके बाद आप सप्लाई चेन पे आके अपनी बात की, चलिए शुरू कीजिए सप्लाई चेन पे आप, क्योंकि तो आपने 1 घंटा जो है ना, हम सबका जो है ठीक है सर, मैं आपको कपाल की मैडम को हिस्ट्री सुना बता दूँ। के जाया कर दिया। चले अच्छा, इसके सप्लाई चेन के नाम आते हैं, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट के बाद सप्लाई चेन डिपार्टमेंट, तो दोनों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। देखिए इसके अंदर टी सप्लाई चेन आपके पास है, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या आते हैं, टी प्रोक्योरमेंट आते हैं, टी क्वालिटीज आपके पास है, जो आपके पास वे हाउसेज आपके पास जो वो आपके पास क्या आते हैं, और आपके आई जो आपके पास डिपार्टमेंट होते हैं जो यहाँ पे आपको रहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आपके पास डिपार्टमेंट है वहाँ पे कहलाते हैं। तो सप्लाई चेन जो आपके अलग से डिपार्टमेंट, उसके अंदर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक आपके पास आते हैं, प्लानिंग लॉजिस्टिक में आपके आउटवर्ड आउटबाउंड आते हैं आपके पास, इसका मतलब है आउटबाउंड आपके पास जो विदाउट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आपके पास होते हैं वो आपके पास कहलाते हैं। आपके प्रिक्योरमेंट में आपके POS और जनरल पैकेजिंग मटेरियल आते हैं, MRO आपके पास कहलाते हैं। पॉइंट ऑफ स्केल आपके पास आते हैं, मटेरियल जो आपके पास रिपेयरिंग आपके पास ऑपरेशन होते हैं वो इनबाउंड कहलाता है। इनबाउंड होता है जो आपके पास विद इन जो ऑर्गेनाइजेशन आपके पास प्ले रोल करता है वो आपके इनबाउंड। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अच्छा, इसमें आपके पास जो पॉइंट्स आते हैं वो इक्विपमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपके पास रॉ मटेरियल क्वालिटी कंट्रोल, जो आपके पास क्वालिटी को जैसे कंट्रोल करेंगे, वेयर हाउसिंग है वो, ब्लेंडिंग आपके पास, ब्लेंडिंग आपके पास जो है टेक्निक्स होती हैं जो पूरी आपके पास उसको देती हैं, एक आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे आपके वो चीज़ होती है। सप्लाई चेन में आप जो प्रिक्योरमेंट है जैसे तो आपके पास बताया मैंने, आपके पास एमआरओ चलाती है और वेयर हाउसिंग है और लॉजिस्टिक टास्क, सब स्लाइड जो है वो हो रही है। और स्लाइड शेयर खुद ब खुद क्यों बंद हो गया? स्क्रीन शो नहीं हो रही। ये मैं कह रहा हूँ स्लाइड शेयर बंद हो गया खुद ब खुद ये। जी अब आ रही है, हेलो अब आ रही है आपको जी नजर? जी जी आ रही है, आ रही है। जी तो जी नेक्स्ट सर आ स्लाइड गई। कीजिएगा। इससे वाली नहीं, इससे नेक्स्ट वाली 27 वाली, 27। अच्छा देखिए, इसके अंदर सप्लाई चेन के अंदर आपके पास आप कोई भी आप टी लेंगे उसके अंदर आपके पास लीव लेंगे, वहां से आपके पास लीव जाके ट्रांसमिट होंगे टी फैक्ट्री के अंदर, टी फैक्ट्री में आपका टी प्रोड्यूस होगी, आपके पास टी ऑडिट होगी, तो वहां पे आप देखेंगे कि आपके पास वो है ओके है या नहीं है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अगर आपके पास एक जो आप टी प्रोड्यूस करेंगे अगर ओके है तो आप यस होगा तो आपके पास ऑप्शन आगे जाएगा सैंपल में, तो यहाँ से आपके पास सैंपल जो आपके पास टेस्टिंग के लिए आप भेजते हैं, उसके पास जो प्री शिपमेंट आपके पास सैंपल्स होते हैं वहां से आपके पास शिपमेंट टेक प्लेस होती है, आपके पास रिपोर्ट्स होती है वहाँ पे आपके पास जाती है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, क्लीनिंग एजेंट जो आपके पास क्लीनिंग वहाँ पे आएंगे, फिर टपाल जो आपके पास टपाल के अंदर जाएंगे, वहाँ से आपके पास कहेंगे रैंडम आप सैंपल ले लेंगे, कोई भी जो आपके पास सैंपल्स आएंगे उसमें रैंडम कोई भी सिलेक्ट करेंगे। वहाँ आपके पास क्या करें, अगर आपके पास आप अपने वेयर हाउसेस में देखते हैं जो आपके रेड एरिया कहलाता है, वहाँ से आप अगर अगर आपका सैंपल एक्सेप्ट होता है, अगर आपके पास जो आप सैंपल भेजते हैं अपने क्वालिटी के डिपार्टमेंट के अंदर, वहाँ से अगर एक्सेप्ट होता है तो आगे आपके पास अभी आपके पास जैसे जो आपने ट्रांसमिट करना हो कोई भी प्लेस के ऊपर, वहां से आपके पास क्या होता है आगे ट्रांसमिट हो जाता है। तो पूरे क्या कहता है, पूरी सप्लाई चेन का एक आप
जहाँ से रॉ मेटेरियल से लेके आगे तक कि कहाँ तक आप डिस्ट्रीब्यूट करें या पूरा एक चैनल कहलाता है। नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा देखिए, आपके पास टेस्टिंग लेबॉरिटीज यहाँ पे क्या होती है, जो R&D जिसे कहते हैं, जैसे आपके पास जहाँ पे ये क्या क्या कहते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, आपके पास जो सैंपल आप कलेक्ट करते हैं वहाँ पे ये टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा। 20-30 का सर, 30। थर्टी पे आ गया हूँ भाई मैं। अच्छा इसमें, अच्छा देखें, सेल एंड ऑपरेटिंग प्लान इसके अंदर क्या है कि आपके पास सेल जो आपके पास होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, तीन से फैक्टर पे डिपेंडेंट होती है। जो आपके पास स्टोरेज है वो कीपिंग यूनिट मतलब है, आपके पास यूनिट यूनिट में वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपके पास क्या कहलाती है, वे हाउस के अंदर आपके पास जो जो है जो आप स्टॉक है वो आपके पास होना चाहिए। बाय टाइम मतलब है कि आपके पास जो कुछ जैसे जैसे टाइम की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जो आपके पास क्या होना चाहिए, इसकी सेल की क्या होनी चाहिए आपके पास, मतलब आपके पास जो आपने प्रोड्यूस किया वो आपके पास क्या होना चाहिए, उस टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, सेल एंड ऑपरेटिंग प्लान मतलब आपके पास कहलाता है। तो इसके ऊपर बेस करता है, जब भी आप कोई प्रोड्यूस करते हैं तो ये इस पर फैक्टर्स जो हैं इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा सर। अच्छा देखिए, ये जिस तरीके से पहले हम डिस्कस किए थे, इस तरीके से क्या फोरकास्टिंग होगी आपके पास सप्लाई चेन के बाद, यहाँ से आपके पास फोरकास्ट होगा, आपके पास सेल सप्लाई चेन होगा, मास्टर प्रोडक्शन आपके पास टूल होगा, शेड्यूल होगा कि आपने किस तरीके से क्या कहते हैं जो अपना प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करना है। फिर इसके बाद बिल मटेरियल आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे मास्टर रिक्वायर्ड प्लान आपके पास, इसमें अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं आपके पास, जैसे आपके पास QC डिपार्टमेंट है, जो चेकिंग डिपार्टमेंट होता है, या R&D जो आपके पास होता है, ये पूरा इसके बाद प्लानिंग होती है। यहाँ पे पूरी चेकिंग होती है आपके पास कि आपके पास जो आपने प्रोड्यूस किया वो क्या है, कि एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर एक्सेप्टेबल होगा तो आपके पास फॉरवर्ड होगा आगे। फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या है कि आपके पास जो आपके वेयर हाउसेज हैं, जो रायवेंड या कराची, आपके पास जो सक्सेस वगैरह में वहाँ पे क्या कहते हैं फॉरवर्ड किया जाता है। तो पूरा एक क्या कहते हैं सप्लाई चेन कहलाती है, जो आपके पास एक आगे देखें डिस्ट्रीब्यूशन टीम है, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर, तो यहाँ से लेके रॉ मटेरियल से लेके आपके पास क्या है कंज्यूमर एंड तक पूरी क्या है सप्लाई चेन है। अगर एक आपके पास उस डिफरेंट क्या होता है स्टेजेस से गुजरता है कि वहाँ जहाँ पे क्या होता है डिफरेंट टेस्टिंग होती है, अगर एक्सेप्ट होता है तो आगे फॉरवर्ड होता है। तो नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा देखिए, ये इसमें आपके पास क्या है कि पुश एंड पुल, आपके पास क्या है कि पुश एंड पुल मतलब है कि पुश एंड पुल मतलब है कि आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई है वहां तक आपके पास जो आपके पास पुश प्रोसेस कहलाते हैं, जो आपने बस जो आपने मैन्युफैक्चर किया उसको क्या कहते हैं आगे सप्लाई करें। जो पुल प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है, जैसे आपने कोई भी एक एक्सपोर्ट करना अपने जो किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर, पुल मतलब उसको आप आगे पुल करते हैं, जो उसको कंज्यूमर ऑर्डर के ऊपर जो आपका डिमांड आती है वहाँ पे आपको क्या करते हैं, वहाँ तो एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी, तो आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं वहाँ पे पुल के लाते हैं। 34 स्लाइड पे आइएगा। तो इसमें फंक्शन हमारे पे वेयर हाउसिंग आपके पास डिफरेंट आ जाएंगे, हैंडलिंग, काउंटिंग, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, रिसीविंग, आपके पास क्या है कि आप जिस किस तरीके से अपने वेयर हाउस को हैंडल कर सकेंगे, इसमें क्या है डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, तो आप देखते हुए क्या करते हैं अपने वेयर हाउस को हैंडल करते हैं। तो आपके पास क्या है डिफरेंट स्टेजेस से आप देखते हैं क्या कहते हैं अपने फंक्शन को ऑपरेट करवाते हैं। अच्छा इसमें सर 36 पे आ जाइए। अच्छा इसमें देखिए आपके पास क्या है कि डिफरेंट टाइप के मोड्स होते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं अपने ट्रांसपोर्ट जो जो है अपना जो है प्रोडक्ट उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो आपके पास जो 3 आपके पास क्या मोड है, जैसे शहजोर, आपके पास मस्त है, हिनू है, आपके पास में अलग अलग क्वांटिटीज है, आपके पास 150 कार्टन, आपके पास 200 कार्टन है, 400 कार्टन है। तो उसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप के आपके पास कैपेसिटी आ जाती है, जिसके हिसाब से अपने क्या है कि आप अपना स्टॉक आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो आपके पास डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन के आपके पास क्या है मोड मोड है, उसके हिसाब से आप क्या करते हैं अपना जो है ट्रांसपोर्ट आगे करते हैं। इसको 37 पे कीजिएगा सर। अच्छा लॉजिस्टिक के अंदर हमारे पास जो है इसके अंदर डिफरेंट टाइप के आपके पास कंटेनर्स होते हैं, इसके अलग अलग टाइप्स की आपके पास स्टोरेज होती है। तो आपके पास ये क्या है इसमें स्टोरेज बताइए, 40 फीट आपके पास बताइए, जैसे 50 फीट है आपके पास, तो इसके हिसाब से क्या आपके पास क्या होती है स्टोरेज होती है, जिसके आपके जरिए आप अपना क्या करते हैं अपने जो स्टॉक है वो क्या करते हैं स्टोर करते हैं। तो ये लॉजिस्टिक में आपके पास क्या आएंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन जो आप लेंगे आप उसमें क्या है एक कंटेनर जो पे डिपेंडेंट होती है कि उसकी कैपेसिटी कितनी, तो वहाँ पे क्या है उसके हिसाब से आप क्या करते हैं आपने जो है स्टॉक आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा सॉफ्टवेयर जिसमें यूज करते हैं, दो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एक आपके पास ओरिकल है, ओरिकल जैसे आप जो आप डिफरेंट ओरिकल क्लाइंट जैसे आप यूज करते हैं, ओरिकल क्लाइंट आपके एक दूसरे को सैप यूज करते हैं। सैप भी आपके पास क्या है कि सैप GUI आप जैसे यूज करते हैं, सैप GUI आपके पास एक वास्ट सॉफ्टवेयर, जिसे आप क्या करते हैं
वहां पे आपके पूरे वो आपके पास शो करवा रहे होते हैं कि इसमें आपके पास के कोई आपने परचेजिंग या आपके पास कोई भी चीज आ रही तो आपके पास सैप जो आपके सॉफ्टवेयर आपके पास चला रहा होता है। इसी तरीके से ओरेकल भी आपके पास एक क्लाइंट आपके पास सॉफ्टवेयर होता है, ओरेकल क्लाइंट आपके पास जो है आप डिफरेंट जैसे कंप्लायंस डिपार्टमेंट वहाँ यूज करते हैं। तो एक इसके कंक्लूजन पे आते हैं, तो कंक्लूजन ये कि हमारे पास ये टी जो है टपाल जो है क्या एक वास्ट ब्रांड है, जिससे क्या कि जो SIO ISO को आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करता है जो उसको क्या कहते हैं उसके हिसाब से आपके पास ये क्वालिटी को अपने सेट करता है कंज्यूमर के हिसाब से। तो एक एक ये क्या है कि हर पीपल के लिए क्या है अवेलेबल है, अगर रिच हो या पुअर उसके हिसाब से ये क्या कहते हैं क्वालिटी देता है। तो वो अपने प्रोडक्ट को क्या कहते हैं प्राइस के हिसाब से मार्केट में लो प्राइस में रखता है ताकि हर किसी को हर कोई इसको क्या कर सकते अवेल कर सकते। थैंक यू सर। अच्छा जनाब, आप लोग जो मौजूद हैं कोई सवाल कीजिए इनसे अगर आपने के जहन में है तो, कोई सवाल आप लोगों का अगर है जो पार्टिसिपेंट मौजूद हैं उनको मैं राइट दे रहा हूँ सवाल करने का इनसे इस प्रेजेंटेशन के ऊपर। नहीं है, चले मैं नाम लेता जाता हूँ, आप इनको रैंकिंग दीजिए। जनाब बिलाल साहब कितने नंबर देंगे 5 में से इनको आप? सर मैं इनको 5 में से 4 नंबर देना चाहूंगा। अच्छा चलिए ठीक है, मैं बाद में पूछूंगा क्यों देना चाहेंगे। बाबर साहब जी, सर कितने नंबर देंगे 5 में से इनको आप? बाबर 4.5। फिरोज सर इसकी प्रेजेंटेशन बहुत लंबी थी सर, जो है ना आवाज बहुत क्लियर था, तो 4 नंबर देना चाह रहा हूँ सर। अच्छा 4 देना चाह रहे हैं। हसनैन जी सर 4 नंबर सर। 4 नंबर। बिलाल बिलाल कितने नंबर देंगे आपने? बता दिया मैंने, बता दिया आप बता चुके हैं। 4 नंबर। शागिल आप बताइए। करीम शागिल जी सर 4 मार्क्स होंगे सर, माशाल्लाह अच्छी होंगे। अच्छा करीम 4 मार्क्स सर। अस्करी सर 4.5। अच्छा तो कंसेंसस 4 का आ रहा है। अच्छा देखें ये मैं आपको बताऊं इस प्रेजेंटेशन में इन्होंने क्या की है। आवाज देखें मैंने अभी बात परशोत्तम से बात कही थी, बिलाल से बात कही थी, आप लोगों से एक बात कह रहा हूं मैं कि बार दफा ऐसा होता है कि जो आपको पढ़ा रहा होता है उसकी आपसे सर्टेन एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो जाती है, ठीक है ना। परशोत्तम को क्या एडवांटेज हुआ कि सम और दी अदर इसका जो इंट्रोवर्ट एटीट्यूड है मुझे मेरी मतलब जब मैंने इनका पेपर पढ़ा तो मैं आई वॉज शॉक्ड ना, तो मैं प्लेजेंट सरप्राइज अंग्रेजी में कहते हैं कि प्रेजेंटली सरप्राइज के भाई परशोत्तम से मुझे ये तवक्का नहीं थी, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कमिंग बैक टू दिस प्रेजेंटेशन सिंस ही इज टीचिंग एज वेल, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। अभी मैं आपको देखें नंबर तो मैं भी उतने ही दूंगा जितने आप दे रहे हैं, 5 में से 4 नंबर इनके बनते हैं तो मैं 15 में से इनको 12 नंबर दे दूंगा, वो एक इश्यू नहीं है। बात यह कि यहाँ पे हमारा एक मकसद ये है कि जब हम सप्लाई चेन डिस्कस कर रहे हैं तो आपको जो मैंने जिंदगी में जो सीखा है जो कमियां खामियां इसकी हैं मैं वो हाईलाइट करूंगा, अच्छी बातें हाईलाइट। पहले अच्छी बात बता दूं, नंबर 1 इनका जो स्लाइड का सिलेक्शन है कलर सिलेक्शन है दैट इज सुपर, बहुत अच्छा इन्होंने सिलेक्ट किया है लाइटर बैकग्राउंड पे, क्योंकि जिस ब्रांड को ये बता रहे थे तस्वीरें दिखा रहे थे वो लाल रंग का ब्रांड था, तो इनका अगर ये डार्क कलर लेते पीछे तो प्रेजेंटेशन में इनकी प्रॉब्लम आ जाती, ये तो इनकी सबसे अच्छी बात थी। कंटेंट्स बहुत अच्छे हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जैसा कि अभी किसी ने कहा फिरोज ने कहा कि इट वॉज टू लॉन्ग, कभी भी कोई प्रेजेंटेशन इतनी लंबी ना करो जिससे कि ऑडियंस जो है सो जाए, ठीक है। तीसरी बात ये कि हमारा सब्जेक्ट जो है सप्लाई चेन है, ठीक है ना, तो अगर मैं इनकी जगह होता और मेरी गलती है कि मैंने ये प्रेजेंटेशन देखी नहीं, अगर मैं देख लेता तो इनको मैं वापस करता कि भाईजान ये बहुत लंबी है, आपको 20 स्लाइड है जो आधा इन्होंने काम जो किया है उसकी मार्केटिंग पे किया है, उसके ब्रांड को इंट्रोड्यूस करना कितनी क्वालिटीज हैं कितनी कैटेगरीज हैं क्या है क्या है। अब मैं 10 सवाल इनसे पूछ सकता हूँ ब्रांडिंग के ऊपर जो इन्होंने बताई है ना। बात यह है जब आपने इतनी ज्यादा ब्रांड कर ली है तो आपकी तो एक चीज कहलाती है मार्केटिंग किस तरह में, जिसको हम कहते हैं कि क्या लफ्ज कराते हैं यार, अपनी प्रोडक्ट को अपनी प्रोडक्ट से आप कंपीट करा रहे हैं, ठीक है ना, वो चीजें हो जाती हैं। तो कैनिबलाइजेशन, कैनिबलाइजेशन कि अगर आप ज्यादा ब्रांड इंट्रोड्यूस कर देंगे मार्केट में तो आपकी कैनिबलाइजेशन हो जाती है, लोगों को समझ में नहीं आती, तो लोग ये करते हैं कुछ ब्रांड जैसे नीच ब्रांड इन्होंने बताया कि आइस टी वाला हो गया ये हो गया, ये नीच ब्रांड है कि इसके पाकिस्तान में चाय का कॉन्सेप्ट है गर्म का,
ठीक है ना, हमारा कल्चर के तौर पे गरम चाय का है, हम ठंडी चाय पीने वाले, ये अमेरिकन कल्चर है, तो अगर आप एक्सपोर्ट के लिए इसको बनाते हैं तो बनाएं, वो अच्छी बात है। दूसरी बात, जहां उन्होंने पुश और पुल की डेफिनेशन बताई है, विच इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग। मार्केटिंग में पुश जो है वहां होता है कि जहां आप मार्केट में प्रोडक्ट फेंकते हो किसी भी कीमत में अपने आप को मकबूल करने के लिए, करने के लिए। पुल जो है कहलाता है, वो ये कहलाता है कि आपकी अपनी प्रोडक्ट की आप ब्रांडिंग करके, एडवर्टाइजिंग करके, उसको लोगों को इतना जहन में डाल दो कि वो दुकान पे आए और दुकान पे आए कहेंगे मुझे टपाल दानेदार दे दो, या तो मुझे जो भी ब्रांड है तेज दम दे दो, फलानी दे दो, फलानी दे दो। ये चीज होती है पुल, कि जब आप कस्टमर को इतना जहन में उसके भर दें कि वो आके मुंह से मांगे। जैसे हम अपनी इस्तेमाल में इस्तेमाल करते हैं कि पानी के कितने ब्रांड होंगे पाकिस्तान में, जो लास्ट मैंने पढ़ा था 64 ब्रांड्स का पढ़ा था। लेकिन आप ये देखिए, जो नेस्ले ने मार्केट पकड़ी है, नेस्ले फर्स्ट चॉइस है। आप किसी भी दुकान पे जाएं, अगर पानी खरीदेंगे तो आप कहेंगे यार एक छोटी बोतल नेस्ले की दे देना, या एक 1.5 लीटर वाली दे दो, या घर के ऊपर आप 19 लीटर का जो मंगवाते हैं, नेस्ले आपकी पहली चॉइस। दूसरे ब्रांड ने बड़ी कोशिश की लेकिन अभी तक वो नेस्ले के नजदीक नहीं आ सके अपनी एडवर्टाइजिंग करने के बाद। एक्वाफीना हो गया, पेप्सी वालों ने अपना ब्रांड लॉन्च किया था, सारा कुछ किया था, नहीं हो सका। तो ये चीजें होती हैं ऐसा ना, आपको ये चीज ख्याल रखनी चाहिए कि आप अपने ऑडियंस को सुलाए ना। ठीक है, ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम। हाँ, नेक्स्ट टाइम जो अब देखो, ये तो आप मेरे साथ आपकी आखिरी प्रेजेंटेशन है, इसके बाद तो कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन किसी और जगह अगर आपको करनी पड़े तो आपको अपने जो टॉपिक है उसी की लिमिटेशन में रहना है। दो तीन स्लाइडें बहुत जरूरी है करने के लिए, वो आपने कर दी। ठीक है, ये मेरा टाइम खत्म हो रहा है, मैं वीडियो सेव करके फिर वापस आता हूँ, उसके बाद उसकी प्रेजेंटेशन करेंगे हसनैन की। ठीक है, और फिर मुझे इजाजत चाहिए क्योंकि 9 बजे मुझे जगह जाना है, आज मैं क्लास जल्दी खत्म करूंगा। ओके, ठीक है, मैं अभी जनाब इसको वीडियो को जरा रोक दूं।